हेलो दोस्तों, एक दिन मेरा दोस्त मेरे पास बैठा हुआ था और मुझे पूछ रहा था कि बिजनेस चलाना कितना मुश्किल है। तो मैंने कहा बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जैसे साइकिल चलाना हम सीखते हैं वैसे ही है। तो अच्छा, फिर तो बहुत आसान है। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा याद करो, जब हम साइकिल सीखते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले तो साइकिल को हाथ से पकड़ के हम चलाना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे पैडल मारना सीखते हैं, कई बार गिरते हैं, चोटें लगती हैं, लेकिन हम छोड़ते नहीं हैं, फिर भी साइकिल सीखते हैं चोटें लगने के बावजूद। तो बिजनेस में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, कहते फिर हम आराम से सीख जाते हैं और बड़े आराम से फिर अपने आप साइकिल चलता रहता है। मैंने कहा नहीं, यहाँ भी हम गलती कर रहे हैं, साइकिल अपने आप नहीं चलता, साइकिल को पैडल मारना पड़ता है। अगर पैडल मारना छोड़ दोगे तो फिर गिर जाओगे। तो बिजनेस भी अगर रेगुलर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो आप फिर गिर जाओगे। और साइकिल ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर स्पीडोमीटर नहीं है कि आप इतनी ही लिमिट तक चला सकते हो। बिजनेस भी ऐसे है, जितने आप पैडल मारोगे, जितना जोर लगाओगे, उतनी दूर आप जा सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपने बिजनेस को कहाँ तक लेके जा सकते हो, सिमिलर साइकिल की तरह। तो इसलिए जब भी बिजनेस का ख्याल आए तो साइकिल को याद रखना, जैसे साइकिल चलाना है वैसे ही बिजनेस चला सकते हैं। थैंक यू जी। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो कमेंट्स में भी आप बताएं, मेरे चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।